एवरीवन, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक गार्डन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा कि हम लोग डहेलिया के प्लांट से लंबे टाइम तक अच्छी और हेल्दी ब्लूमिंग कैसे पा सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपने सामने आप प्लांट देख रहे हैं, ये डहेलिया का प्लांट है और इसमें ये ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं चार फूल खिले थे। और सबसे पहले देखिए, जिन लोगों को एक बहुत बड़े से फूल का शौक होता है कि मतलब उनके प्लांट में एक ही चाहे फूल खिले लेकिन जो फूल खिले वो बहुत बड़ा खिले, तो उसके लिए उनको क्या करना है कि जब आपका प्लांट नीचे से ग्रो होना शुरू हो रहा है और जब उसमें पहली कली दिखना स्टार्ट होती है, तो उस पहली कली को, जैसे मान लीजिए अगर इस प्लांट की ये वाली पहली कली थी, तो इस पहली कली को छोड़ के जितनी भी साइड में कलियां निकलती हैं उनको आपको काट देना है जब वो शुरू में निकल रही, छोटे अपने छोटे स्टेज में जब एकदम इतनी बड़ी बड़ी सी होती हैं जैसे कि ये वाली है, तो आपको उसको काट देना है। तो आपका जो ये एक अकेला फ्लावर होगा वो बहुत बड़ा सा खिलेगा। बट अगर आपको अपने प्लांट में नंबर ऑफ फ्लावर्स ज़्यादा चाहिए, आपको साइज अगर छोटा सा थोड़ा सा होता है तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, तो उसमें तो आपको अपने प्लांट को नेचुरली छोड़ देना है और खिलने देना है। एक बार जब आपका प्लांट इस तरीके से खिल के छूट जाए, मतलब ख़त्म हो जाए सारे फ्लावर्स और इस तरीके से मुरझा जाएँ, तो आपको अपने इन फ्लावर्स को काट देना है। जैसे देखिए ये वाला जो है इसको मैं ऐसे काट दे रहा हूँ, रुक जाइए, ये देखिए ये मैंने काट दिया। एक देखिए ये जो पीछे वाला है इसको भी मैं ऐसे काट दूंगा और ये जो साइड वाला है इसको भी मैं ऐसे काट दूंगा। एक मैं छोड़ दूंगा फ्रेंड्स ताकि उसमें सीड बन जाए और बाकी तीनों मैंने काट दिया। और फ्रेंड्स, पहली फ्लावरिंग होने के बाद समझिए चार प्लांट में मेरे एक प्लांट में चार फ्लावर खिले हैं, तो इन चारों के खिलने के बाद अब आपको इस प्लांट में इसके जो खिल के हम मुरझा चुके हैं उन फ्लावर्स को काट देना है। और काटने के बाद प्लांट की मिट्टी में आपको खाद देनी है अच्छी क्वांटिटी में, जैसे मान लीजिए एक मुट्ठी भर के या दो मुट्ठी भर के। अगर आपका बड़ा पॉट है, मेरा ये 12 इंच का पॉट है, उसमें मैं दो मुट्ठी भर के खाद डालूंगा। खाद में आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं और अगर आप गोबर की खाद डाल रहे हैं तो गोबर की खाद आपकी अगर अच्छे से सड़ी हुई होगी तभी डालिएगा, वरना प्लांट में जलने का खतरा होता है। पर बेस्ट रहेगा कि इस टाइम आप वर्मी कंपोस्ट डालें। तो अब जैसे मैंने फ्लावर्स काट दिए हैं, उसके बाद मिट्टी में मुझे ढेर सारी वर्मी कंपोस्ट डाल देना है और उसके बाद इसको पानी दे देना है फ्रेंड्स। और फिर 4 से 5 दिन बाद मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूंगा, चाहे वो सीवीड फर्टिलाइज़र हो चाहे वो खाली पोटाश पानी मिला के हो, वैसे भी हो सकता है, बट ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप सीवीड फर्टिलाइज़र डालें जो कि उसका रिजल्ट बहुत जल्दी और अच्छा आता है। तो इस तरीके से आपका प्लांट जो अपने आगे आने वाले फ्लावर्स अच्छे क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें उसके लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने डहेलिया में आप लंबे टाइम तक अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं, हेल्दी फ्लावरिंग पा सकते हैं और नंबर ऑफ ब्लूम्स आप में ज़्यादा है, इस चीज़ का ये पूरा तरीका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको बहुत जल्दी से आंसर दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।